हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही बहुत ही यमी सी मिठाई, और ये मिठाई बनेगी सूजी से। और इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की जरूरत होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप भर के सूजी लिया है, उसमें 2 छोटे चम्मच भर के घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से इसको भून लेंगे। तो इसको कंटिन्यू चलाते जाना है ताकि हमारी जो सूजी है वो कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि हमारी सूजी भून के तैयार ना हो जाए। और अभी यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गया है और सूजी अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें मिल्क डाल देंगे। तो जितना यहाँ पर सूजी लिया है उससे 1/2 कप, मतलब कि 1.5 कप मैंने सूजी लिया था, तो 2 कप मिल्क में आराम से हमारा जो डो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल्क हमें धीरे धीरे करके डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें अगर लम्स बनते हैं तो कुछ देर बाद वो लम्स भी हट जाएंगे, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो सूजी सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेगी और एक डो के फॉर्म में आ जाएगी। तो अच्छे से इसको इसी तरह से स्टीर कर करके हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं, मैंने केसर नहीं डाला है, और केसर डालने से उसका कलर अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से देखो हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अभी इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऐसा फैला लेंगे ना तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए जितनी सूजी ली थी उसी के बराबर यहाँ पर मैंने लिया है शुगर, और शुगर के बराबर लिया है पानी, मतलब जितना शुगर उतना ही पानी डालना है। साथ में थोड़े से केसर के धागे डाल लिए हैं और यहाँ पर चाशनी को बनने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पर जो सूजी वाला बैटर था वो हमारा ठंडा हो गया है। फिर इसमें मैंने डाल लिया है 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है ये डालने से, बट टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास हो तो डाल लो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको एक चिकना डो बनाना है। तो ये देखो बहुत अच्छे से हमारा डो बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको लगता है कि इससे जो मिठाई है फट रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। बट मेरी मिठाई इतनी अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी नहीं फटी थी। अगर आप मेज़रमेंट सही ढंग से बराबर लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपकी मिठाई फटेगी नहीं। तो इस तरह से हमें चपटा चपटा करके बनाना है जो मिठाई है उसको। अगर एकदम गोल गुलाब जामुन की तरह बनाओगे ना, तो ये अच्छे से पक नहीं पाएंगे, मतलब जब हम फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। ऊपर से तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन दिखेंगे, लेकिन अंदर ना थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसी तरह से आपको चपटा चपटा बनाना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और अभी यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, थोड़ा सा आटा डाल के देखा है तो ऑयल अच्छे से गरम हो गया था। फिर हम इसमें अपनी मिठाई डाल देंगे 1 बाय 1 करके, और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसको बार बार कंटिन्यू चलाना नहीं है। और यहाँ पर मैंने छोटे वाले चम्मच से इसको पलट के देखा था, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। देखो एकदम बिल्कुल भी नहीं फटा है। और इसी तरह से सारी मिठाई को एक बार पलट देना है, और देखो कितने अच्छे से उसका कलर आ रहा है ना, गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पर मेरी फर्स्ट टाइम का जो मैंने पेड़े डाले थे वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इसको बाहर निकाल लेंगे, ये देखो बहुत अच्छे से बन गए ना, सारे पेड़े निकाल लिए हैं। और जो बचे हुए पेड़े हैं या मिठाई है उसको भी ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर चाशनी ठंडी हो गई थी, तो हमें गरम गरम ही पेड़े या जो भी मिठाई है इसमें डालना है ताकि इसमें चाशनी अच्छे से चली जाए। एक चीज़ कोई भी गरम होना चाहिए, या तो आपकी चाशनी बहुत गरम होना चाहिए, या तो फिर जो मिठाई है वो एकदम गरम, जैसे ऑयल में से फ्राई करते हैं वैसे ही निकाल के तुरंत डालेंगे ना, तो उसमें जो चाशनी वो अच्छे से अंदर तक चली जाएगी और वो अच्छे जूसी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मेरा सेकेंड बेच की मिठाई भी एकदम फ्राई होकर के बाहर निकल गई है, और लास्ट में जितना बचा था वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे पेड़े इसमें डाल दिए हैं चाशनी में। और इस तरह की मिठाई को ना 10 से 15 मिनट तक
और चाशनी में डीप रहने देंगे ना तो उसमें एकदम अच्छे से चाशनी चली जाएगी। और इस तरह देखो ये मेरा लास्ट वाला बेस था वो भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसको मैंने अभी बाहर निकाल लिया है। तो बहुत जल्दी बन जाती है ये वाली मिठाई और बहुत टेस्टी भी होती है। बाहर की मिठाई तो आजकल खाने को बिल्कुल मन नहीं करता है, इसलिए जो भी खाना होता मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने डाला था उसको निकाल के देख रही हूँ कि इसमें चाशनी अंदर तक गई या नहीं। तो चम्मच की सहायता से इस तरह से मैंने उसको कट करके देखा है तो चाशनी अभी एकदम अंदर तक नहीं गई है, तो इसका मतलब कि इसको थोड़ी देर और उसमें चाशनी में डिप रहने देना है। और अभी जो तीसरी बार का मैंने ट्राई किया था वो मिठाई को भी मैं चाशनी में इस तरह से डाल दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट तक चाशनी में डीप रहने देंगी ताकि चाशनी अंदर तक सोक हो जाए। और अभी हो गया है 20 मिनट और अभी हम यहाँ पर अपनी मिठाई को सजाएंगे और अभी इसमें चाशनी एकदम अंदर तक एब्जॉर्ब हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और उस प्लेट में मिठाई को डालेंगे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर थोड़ा सा डाला है, शुगर पाउडर की जगह आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा पिस्टेचू और देखो कितनी सुंदर लग रही है ना मिठाई। ये वाली मिठाई मैंने पहले भी एक बार बनाई थी बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन उस टाइम पर भी बहुत टेस्टी बनी थी और आज भी लगता है बहुत टेस्टी बनी होगी। मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मेरा फास्ट था, तो अभी मैं कल टेस्ट करती हूँ और सच में ये वाली मिठाई टेस्टी बनती है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मैंने उसको एक एक मिठाई को कट करके देखा तो उसमें जूस अंदर तक चला गया और ये हमारी मिठाई एकदम बनके तैयार है। तो कोई भी अगर आता है ना घर में मेहमान तो आप इस तरह की मिठाई बना के ज़रूर खिला सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है और घर की बनी हुई मिठाई टेस्टी भी लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।